गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस लाइन बागेश्वर में शानदार परेड का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अनुराधा पाल तथा पुलिस अधीक्षक अक्षय कौंडे ने परेड की सलामी ली। जिलाधिकारी ने वहां उपस्थित लोगों को देश की एकता, अखंडता तथा मजबूती की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि देश के संविधान में सभी को समान अवसर तथा अधिकार दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि हमें अधिकारों के साथ साथ दायित्वों पर भी ध्यान देना होगा। पुलिस अधीक्षक अक्षय कौंडे ने कहा कि आज के दिन हमें युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए संकल्प लेना होगा। परेड के दौरान फायर ब्रिगेड द्वारा फव्वारे के जरिए तिरंगा फहराना आकर्षण का केंद्र बना रहा। साथ ही परेड के दौरान हर्ष फायरिंग भी की गई। पुलिस उपाधीक्षक अंकित कंडारी ने परेड का नेतृत्व किया। परेड में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को डीएम तथा एसपी ने सम्मानित किया। इस मौके पर विधायक पार्वती दास, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, उपाध्यक्ष नवीन परिहार, दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट आदि मौजूद थे। और जो सातवां दस्ता है हमारा चीता पुलिस का, जिसका नेतृत्व कर रही है गिरीश बजेली, और जो आठवां दस्ता है हम टेलीकॉम इंस्पेक्टर अजय पांडे, और जो हमारा आठवां नवां दस्ता है उत्तराखंड अग्निशमन आपात सेवा का, जिसका नेतृत्व कर रही है ऑफिसर गोपाल सिंह, और जो अगला दस्ता हमारा एसडीआरएफ का, इसका नेतृत्व कर रही है। सबसे पहले तो मैं समस्त जनपद वासियों को, समस्त उत्तराखंड वासियों को, समस्त देशवासियों को हम 75वें गणतंत्र दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो अपने आप में एक खास है। हमें आज़ादी तो 1947 को मिल गई थी, लेकिन हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र, पूर्ण रूप से हम गणराज्य बने हैं 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ। तो ये हमारा जो संविधान है ये एक अपने आप में एक विस्तृत डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि पूरे विश्व में जिसकी पहचान है, जो पूरे विश्व में सबसे अनोखा, अनूठा और सबसे एक हमारे लिए हमारा गौरव है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे हमारे जितने भी कानून हैं, नियम हैं, उपनियम हैं, जितनी धाराएँ सब भी हमारी गवर्न होती हैं संविधान से। इसकी उद्देशिका अपने आप में एक ऐसा सार है कि जो कि समस्त नागरिकों के लिए, समस्त देशवासियों के लिए एक गर्व की फीलिंग कराती है, गर्व का एहसास कराती है। सभी की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है, सभी के लिए समता सुनिश्चित की है, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया है, सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी हमारे स्वतंत्रताएं हैं उनको सुनिश्चित इस डॉक्यूमेंट ने किया है। तो हमें इस पर अभिमान होना चाहिए, नाज होना चाहिए, और इसका हम अक्सर से पालन करें, इसको आत्मसात करें, इसको आत्मार्पित करें। अपने अधिकारों की जब हम बात उठाते हैं तो अधिकारों की बात के साथ साथ अपने कर्तव्यों पर भी निडर होकर, कर्तव्यनिष्ठ होकर, निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करें तो सभी के अधिकार भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे और इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे और देश की उन्नति में हम सहायक सिद्ध होंगे और देश को विश्वगुरु बना पाएंगे। गणतंत्र दिवस पे जो पुलिस की परेड रही वो बहुत ही उम्दी रही, और इस बार का खास वो रहा कि हमने हर बार अक्सर देखा जाता है कि जो अच्छी परेड करता है या अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसी को इस चीज़ के लिए लाया जाता है। इस बार एक अलग पहल हमारे द्वारा की गई, पूरे जनपद के सारे पुलिस कर्मियों की परेड की टेस्ट ली गई, और उसमें जो सबसे बॉटम में है या जिनकी परेड अच्छी नहीं है बहुत सालों के बाद, उनको हमने गणतंत्र परेड की दिवस की परेड के लिए चुना गया। और आपने देखा कि हमें लगता था कि फर्स्ट प्राइज शायद किसी और पीआरडी या होमगार्ड टीम ले जाए, पर वो फिर पुलिस ने लिया गया। तो एक ये दिखाता है कि मेहनत करने से जो हमारे वो थे उसमें बहुत कुछ सुधार आया। दूसरी चीज़, इस गणतंत्र दिवस से इस मैदान में जिसमें आप खड़े हैं, इसमें इवनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा लोग जो यूनिफॉर्म सर्विसेज में आना चाहते हैं वो प्रैक्टिस के लिए आते हैं। हमारे द्वारा यहाँ पे जो पीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगले 2 महीने में बहुत ज़्यादा सुधारा जाएगा, और 2 पुलिसकर्मी जो हमारे पास ट्रेनर के रूप में अवेलेबल है उनको शाम में 2-3 घंटे के लिए यहाँ रखा जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं ये मैसेज पूरे जनपद को देना चाहता हूँ, जो भी लोग एक यूनिफॉर्म सर्विस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, या शाम के समय में जो भी एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं, वो सारे पुलिस इस मैदान पे आमंत्रित है। इसमें हमारे द्वारा गाइडेंस भी दिया जाएगा और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल करा के। एक सर, आपने कहा कि इस वर्ष को हम नशा मुक्ति के लिए डेडिकेट करने वाले हैं, क्या है सर इसके पीछे? ये 2025 में हमें नशा मुक्त देवभूमि का एक सपना जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया, तो बागेश्वर जनपद में जो स्मैक्स का सेवन है उसमें काफ़ी हद तक अंकुर पिछले 1 साल में, या मैं कहूँगा 1.5 साल में लग चुका है।
कैनाबीस और चरस का उत्पादन है वो इस ज़िले में अभी भी बहुत ज़्यादा है, और सैटेलाइट के माध्यम से इसकी इमेजनरी होती है और हमारा जनपद हमेशा उसमें सिलेक्ट होता है। तो इसी पे अंकुश लगाने के लिए 2024 एक बेस ईयर हमारे द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, और सीजन के शुरुआत से सीजन के अंत तक कंटिन्यूस हमारे द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए एक अच्छी कार्रवाई इस साल में की जाएगी। कमांडर्स मुख्यतः महोदय का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रही हैं, और जो दूसरी टोली है महिला टोली जिसका नेतृत्व कर रही हैं महिला निरीक्षक मीना रावत। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान में। गणतंत्र दिवस के मौके पर बागेश्वर की पुलिस लाइन में एक शानदार परेड का आयोजन उत्तराखंड पुलिस द्वारा किया गया। इस परेड में बागेश्वर के पुलिस जवानों के साथ साथ पीआरडी और एनसीसी के कैडेट भी शामिल हुए। ये परेड हमें एकता, भाईचारे, बंधुत्व, सौहार्द और प्रेम का संदेश देती है। सीसीएन न्यूज के लिए पुलिस लाइन से मैं सुरेश पांडे। जय हिंद भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात।
विधायक